आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। बिजली, फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now।